हिमाचल सरकार के पर्यटन निगम के 18 होटल को बंद करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा सरकार इसे सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है, जिस पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि HPDC के होटलों को लेकर भाजपा अनावश्यक बयानबाजी कर रही है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने निगम के होटलों को लीज पर देने का प्रयास किया था, मगर विपक्ष के दबाव के बाद यह रुक गया। एक दो दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पर भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में तीन तीन चार चार लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें के अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में पांच पांच लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि काफी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही। अब जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश के गलत बयानबाजी करके बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रदेश सभी का है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश की जो इमेज दूसरे राज्यों में चुनाव की वजह से प्रदेश का जो भाजपा है उनका एजेंडा बदल जाता है और वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों को तुल देके राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के जरिए ऐसा एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ खत्म हो चुका है और वहां पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वहां लोग सड़कों पे हैं या वहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आपने देखा कैसे कैसे मुद्दे उठे, जिसमें सबने बहुत हैरानी करने वाली बात की, कुछ ऐसे मुद्दों को हवा देने का प्रयास किया गया जिससे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे बदलाव हुए। अब इसके पीछे इनकी सोच क्या है? जो मुद्दे उठे, जिस प्रकार एक 64 करोड़ रुपए के लिए माननीय हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि इस पैसे को जमा करने के एवज में आपकी हिमाचल भवन की जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में उसको अटैच करने के आदेश माननीय हाईकोर्ट के पास में। अब ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये पहले भी होते रहे और दूसरे राज्यों में होते रहे। मैं हिमाचल का भी आपको बता सकता हूँ, मुझे पूरा याद है कि पिछली सरकार में ऊना का रेलवे स्टेशन का जो मामला था उसमें भी अटैचमेंट के ऑर्डर हुए थे। वहां जब रेलवे ने जिन लोगों से जमीन एक्वायर की थी उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी, वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे और उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर वो एक सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आदेश किए कि इनका जो रेलवे स्टेशन है अपना ऊना वाला उसके अटैचमेंट के ऑर्डर। तो ये कोई नई बात नहीं है, एक और भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।